दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग फ़ोन के बारे में बताने वाले हैं, जिसमें एक नए प्रोसेसर यूज़ किया है जो अब तक तो इंडिया में किसी भी फ़ोन में यूज़ नहीं किया। और इनके एक बड़े भाई भी आया हुआ है, उनके बारे में हमने पहले ही वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा, आई बटन में वीडियो आ रहा है, प्लीज़ क्लिक करो, वीडियो जाके देख लो। अब हम इस फ़ोन के बारे में इसी वीडियो में कम्प्लीट प्रोसेस बताऊँगा, साथ ही में इस फ़ोन की डिज़ाइन, लुक, रैम एंड स्टोरेज, डिस्प्ले, बैटरी, सारी डिटेल्स इस वीडियो में कवर कर चुके होंगे। प्राइस भी साथ ही में बताएंगे। और इनके बड़े भाई के मुकाबले में इनके प्राइस ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तो वो भी बताएंगे। तो चलो वीडियो को फटाफट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम इस फ़ोन की नाम जानते हैं। इस फ़ोन का नाम है ओप्पो रेनो 6 5G और इनके बड़े भाई आते हैं ओप्पो रेनो 6 Pro 5G। दोनों ही 5G स्मार्टफोन हैं, लेकिन उनके मुकाबले में ये वाला फ़ोन ओप्पो रेनो 6 5G काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो चलो सबसे पहले हम इस फ़ोन की डिज़ाइन एंड लुक देखते हैं। इस फ़ोन की डिज़ाइन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, काफ़ी कमाल है, इसीलिए हमने शुरू में ही इंटरेस्टिंग बोला। ओके, इस फ़ोन की जो डिज़ाइन है किसी दूसरे फ़ोन के मुकाबले मुशाबा की तरफ जाते हैं, जैसे कि आईफोन, एप्पल के फ़ोन वगैरह जो आते हैं उन सारे फ़ोन के मुशाबे होते हैं। इस फ़ोन की डिज़ाइन एकदम ले लाजवाब डिज़ाइन है यार। अगर आपको फ़ोन में सिर्फ और सिर्फ एंड डिज़ाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो फिर आप इस फ़ोन को चॉइस कर सकते हो। प्राइस भी काफ़ी कम है, आगे हम आपको बताते हैं। ओके, तो वेरी वेरी लुक एंड डिज़ाइन है, तो आप इस फ़ोन को एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। तो चलो फिर हम इस फ़ोन की रैम एंड स्टोरेज को देखते हैं। इस फ़ोन में आपको 8GB का रैम, 128GB का स्टोरेज लगा हुआ है। साथ ही में यहाँ पर आपको 6.43 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलते हैं, साथ ही में 90Hz का रेफ्रेश रेट। तो काफ़ी कमाल के एक डिस्प्ले है भाई, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, साथ ही में 6.43 इंच फुल HD है और 90Hz का रेफ्रेश रेट भी इसमें यूज़ किया है। चलो इस फ़ोन की हम कैमरा क्वालिटी देखें, तो इसमें आपको 64MP का प्राइमरी कैमरा मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पर 8 एम्पियर का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा मिल जाती है, 2 एम्पियर का माइक्रो सेंसर कैमरा मिल जाती है। ओके, तो इस फ़ोन में 64 एम्पियर का कैमरा आपको इसके जो बड़े भाई आती है सेम कंडीशन में उनमें भी यहाँ पर सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाती है। तो आप पहले उस वीडियो को देखो ना, तभी इस वीडियो के बारे में आपको पता चल जाएंगे। चलो हम इस फ़ोन की बैटरी देखते हैं। इस फ़ोन की जो बैटरी है वो है 4300mAh की बैटरी, लिथियम का बैटरी यूज़ किया है, काफ़ी बैटरी तो बैकअप काफ़ी अच्छी देती है। साथ ही में यहाँ पर आपको 65W का सुपर बूक चार्जर भी यहाँ पर यूज़ किया है 2.0 चार्जिंग के साथ, तो काफ़ी फास्ट होगा। कंपनी दावा करता है कि आपके जो फ़ोन है वो 0 से लेकर 100% चार्ज होने के लिए सिर्फ और सिर्फ 28 मिनट्स ही लगेंगे, मतलब 28 मिनट में आपका फ़ोन 100% चार्ज हो जाएगा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है यार। चलो हम इस फ़ोन की जो प्रोसेसर है, एकदम ले न्यू फ्रेश प्रोसेसर है जो अब तक इंडिया में किसी भी फ़ोन में यूज़ नहीं किया, आगे आने वाले टाइम में यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो प्रोसेसर लगाया गया है वो है मीडियाटेक का डायमेंसिटी 900 5G प्रोसेसर। काफ़ी कमाल की प्रोसेसर है, जिसकी मदद से आप गेमिंग तो काफ़ी एक्सपीरियंस है, गेमिंग तो हाई क्वालिटी में भी आप इसको गेमिंग कर सकते हैं, खेल सकते हैं वगैरह वगैरह। चलो हम इस फ़ोन की सारे डिटेल्स तो हम देख लिए, लेकिन फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरे के बारे में अभी तक नहीं बताया। तो सेल्फी कैमरा इस फ़ोन में मिलता है आपको 32MP का सेल्फी कैमरा, तो काफ़ी कमाल की सेल्फी कैमरा है। 32MP का अगर सेल्फी कैमरा इस फ़ोन में देख रहा है, तो प्राइस अगर आप जानोगे शायद ही आपको इस फ़ोन के लेने के लिए शायद तैयार हो जाओ। चलो सबसे पहले हम इस फ़ोन की और डिज़ाइन तो आपको मैंने पहले ही बता दी, लेकिन आपको एक बात बता दूँ, पीछे यहाँ पर उन्होंने एक ग्लास भी लगाया है और सामने तो गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन दिए हैं, और पीछे की तरफ आपको ओप्पो रेनो ग्लो 2.0 अल्ट्रा सिम का रेनो का ग्लास यहाँ पर लगाया हुआ है, तो जिसकी वजह से काफ़ी मतलब डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी आएंगे। ओके, तो चलो हम इस फ़ोन की पहले प्राइस जानते हैं। इस फ़ोन की जो कीमत है यानी कि प्राइस से वो है 29,990 रुपये, ठीक है, 29,990 रुपये, 30,000 रुपये, तो 30,000 की प्राइस में आपको ये फ़ोन मिल जाते हैं। साथ ही में यहाँ पर कंपनी दावा करते हैं कि अगर आप फ्लिपकार्ट से ये फ़ोन ICICI बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और HDFC बैंक की क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड को यूज़ करके लेते हो, तो इंस्टेंटली आपको 3,000 रुपये का डिस्काउंट हो जाएंगे। तो क्या कितना हुआ प्राइस? प्राइस ओनली 26,990 रुपये। तो 26,990 रुपये में मुझे लगता है कि बिल्कुल ही एकदम वैल्यू फॉर मनी मिल जाती है। तो आपको 26,000 प्राइस में, 27,000 प्राइस में आपको यहाँ पर
जो मिलेंगे 8GB का रैम, 128GB की स्टोरेज, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, खासतौर पर ये तो सबसे बड़ी चीज़ है। उसके बाद 30MP का मतलब सेल्फी कैमरा, तो 27,000 के प्राइस में आपको तो 32MP का सेल्फी कैमरा तो नहीं मिल सकते। डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी में है, यानी कि डिज़ाइन आपको आईफोन की फील हो जाएंगे, प्रीमियम है यार। आप लोग ज़रूर इस फ़ोन को चेकआउट करो और प्लीज़ हो सके तो इस फ़ोन को ले लो। अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट है, ज़्यादा पैसा है, तो प्लीज़ अगर आप फ़ोन खरीदने की उम्मीद कर रहे हो कि भाई 30,000, 32,000, 35,000 के बीच में हम फ़ोन लेंगे, तो प्लीज़ इस फ़ोन को एक बार ज़रूर एक बार ट्राई कर लेना। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं लाइक कर देना, शेयर करना चैनल को, सॉरी वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ बने रहना। कहीं भी मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। थैंक यू सो मच।